Welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we will discuss the second part of the inter-process communication. In the first part, we have already discussed about the what is inter-process communication and what are the different types of inter-process communication. तो हमने inter-process communication के आपको दो type बताए थे. एक बताया था shared memory and second one is the message passing. ठीक है. उसमें हमने brief में discuss किया थे last video में about the message passing. Today we'll discuss in detail about the message passing system in inter-process communication. तो message passing system में जैसे हमने आपको बताया था कि कोई भी शेयर नहीं करते हैं रीजंस को. इसमें क्या करते हैं, मैसेज पास करके जब भी एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करना होगा तो वो क्या करेगा, मैसेज पास करके आपस में कम्युनिकेट करेंगे. और मैसेज पासिंग सिस्टम मैंने यूज़ किया था कम्युनिकेशन पर्पस के लिए एज वेल एज सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है. तो पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें. मैसेज पासिंग सिस्टम रिक्वायर्स द कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द टू प्रोसेसेस. जैसे मैंने आपको बताया कि मैसेज पासिंग सिस्टम का पर्पस क्या है कि दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करें और सिंक्रोनाइज करें. सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि हो सकता है एक प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हो, दूसरा प्रोसेस उतनी तेज़ी से उसको ग्रेस्प ना कर पा रहा हो, या हो सकता है कि पहला प्रोसेस इन्फॉर्मेशन ही प्रोड्यूस ना कर रहा हो और दूसरा प्रोसेस जो रिसीवर है वो काफ़ी तेज़ी से रिसीव करने को तैयार हो. तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. हमें क्या करना है, उनको सिंक्रोनाइज करना है उनके एक्शंस को, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो. ऐसा ना हो कि जो रिसीवर है वो कोई डेटा है ही नहीं और नल डेटा को रिसीव कर रहा है. ठीक है. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो सेंटर है वो लगातार डेटा प्रोड्यूस करते जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, रिसीवर ओवरफ्लो होता जा रहा है. तो सिंक्रोनाइजेशन का भी ध्यान रखना है इन एडिशन टू द कम्युनिकेशन. सेकेंड इज मैसेज सेंड बाई ए प्रोसेस कैन बी आइदर फिक्स्ड और वेरिएबल साइज. जो भी मैसेज भेजा जाएगा मैसेज पासिंग सिस्टम में वो फिक्स साइज का भी हो सकता है, वो वेरिएबल साइज का भी हो सकता है. इसके अलावा हमने आपको एक चीज़ और बताई थी लास्ट वीडियो में कि जो आपका शेयर्ड मेमोरी वाला मेथड था वो जब काफ़ी ज़्यादा लार्ज डेटा होता है उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है. लेकिन जो मैसेज पासिंग वाला सिस्टम है ये आपका मेनली तब यूज़फुल है जब आपको ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन या डेटा का कम्युनिकेशन करना हो. तो अगर मैसेज छोटा है तो हम मैसेज पासिंग सिस्टम यूज़ करेंगे, अगर मैसेज बड़ा है तो हम किसका यूज़ करेंगे, शेयर्ड मेमोरी मेथड का यूज़ करेंगे. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक इन द मैसेज पासिंग सिस्टम. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है एड्रेसिंग और नेमिंग, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज़ द बफरिंग, थर्ड वन इज़ द सिंक्रोनाइजेशन एंड फोर्थ वन इज़ द मैसेज फॉर्मेट. वन बाई वन एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं सबको. सबसे पहले डिस्कस करते हैं एड्रेसिंग या नेमिंग. एड्रेसिंग या नेमिंग ये बताता है कि कोई भी प्रोसेस जब दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करेगा, मैसेज भेजेगा, तो किस तरीके से एक दूसरे को रिफ़र करेंगे, किस तरीके से एक दूसरे को नेम यूज़ करेंगे या एड्रेस करेंगे कि भाई ये वाला प्रोसेस है, मुझे इसको मैसेज भेजना है. तो उसको हम कहते हैं एड्रेसिंग या नेमिंग. ठीक है. तो ईच प्रोसेस विल कम्युनिकेट विद अनदर प्रोसेस यूजिंग आइदर द डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. दो तरह से कम्युनिकेशन पॉसिबल है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी. पहले देखते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या है. मान लीजिए प्रोसेस ए है, ये प्रोसेस बी है. ठीक है. ये इनके बीच में कम्युनिकेशन लिंक है. जब भी प्रोसेस ए को प्रोसेस बी को भेजना होगा डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू, तो ये के लिए क्या लिखिएगा, सेंड. यानी प्रोसेस ए सेंड कर रहा है किसको, बी. बी मतलब प्रोसेस बी को सेंड कर रहा है. क्या सेंड कर रहा है, मैसेज. तो जब ए वाला बी को भेजेगा तो क्या लिखेगा, सेंड, जिसको भेजना है उसका नाम और मैसेज जो कंटेंट है. ऐसे ही जो रिसीवर है प्रोसेस बी वो क्या रिसीव करेगा, उसका रिसीव फॉर्मेट क्या होगा, रिसीव. किससे रिसीव कर रहा है, प्रोसेस ए से. क्या रिसीव कर रहा है, मैसेज का कंटेंट. ठीक है. तो भेजने वाला रिसीवर का नाम डालेगा और मैसेज डालेगा, और जो रिसीवर होगा वो किससे आया है और क्या मैसेज है. ठीक है. ये फॉर्मेट का यूज़ करेंगे. ये आपके कहलाती है सिमेट्री एड्रेसिंग. सिमेट्री मतलब ए बी का नाम बता रहा है कि बी को भेज रहा हूँ, बी बता रहा है मेरे को ए से रिसीव हुआ. लेकिन इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन में एसिमेट्री एडिशन एड्रेसिंग भी यूज़ कर सकते हैं. लाइक सेंडर है, ये क्या कह रहा है, मैं मैसेज किसको भेज रहा हूँ, बी को भेज रहा हूँ. बी को क्या भेज रहा हूँ, मैसेज भेज रहा हूँ. ठीक. जो रिसीवर है वो ज़रूरी नहीं कि वो एक से रिसीव करता हो सकता है वो मल्टीपल यूज़र से रिसीव करता हो. तो वो क्या यूज़ कर सकता है, रिसीव आईडी कॉमन मैसेज. वो क्या करेगा, सेंडर का नेम नहीं लिखेगा, वो सेंडर की आईडी लिखेगा, क्योंकि वो कई सारे सेंडर से डेटा रिसीव कर सकता है. जो प्रोसेस बी है
अगर एसिमेट्री एड्रेसिंग यूज कर रहे हैं तो सिर्फ आईडी यूज करेंगे रेदर देन को उसका नेम यूज करें। आईडी में क्या होगा, जिसने भेजा होगा डेटा उसकी आईडी नंबर होगा, उसका प्रोसेस आईडी नंबर होगा, ठीक है। तो एसिमेट्री एड्रेसिंग क्या शो कर रही है कि मल्टीपल यूजर से, मल्टीपल सेंडर से भी आप रिसीव कर सकते हो। ये तो एक को ही भेज रहा है बी को, लेकिन जो बी वाला है वो मल्टीपल से अगर रिसीव कर रहा है, मल्टीपल प्रोसेस से या मल्टीपल सेंडर से, तो वो क्या करेगा, जिस भी सेंडर से डेटा आया होगा उसकी आईडी को यूज करेगा। दिस इज कॉल्ड एसिमेट्री एड्रेसिंग इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। अब आते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन पे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या था, दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन था सीधे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे थे। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या है, दे आर यूजिंग द मेल बॉक्स। मेल बॉक्स मीन्स जब भी प्रोसेस ए को भेजना होगा पहले वो किस में डाल देगा मैसेज को, मेल बॉक्स में डाल देगा, ठीक है। और जब प्रोसेस बी को रिसीव करना होगा तो मेल बॉक्स से मैसेज को रिसीव कर लेगा। और मैसेज बॉक्स जो एम है वो ऐसा नहीं कि इन दोनों प्रोसेस के बीच में ही होगा, ये मैसेज मेल बॉक्स एम कैन बी शेयर्ड बाई अदर प्रोसेसेस आल्सो, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन को क्या ला रहा है कि कोई जब भी किसी प्रोसेस को भेजना होगा वो क्या लिख देगा, सेंड एम, एम में भेज रहा है मैसेज, भेज रहा है, भेज देगा। अब जिसको चाहिए वो इस मेल बॉक्स से आके ले लेगा, ठीक है। तो प्रोसेस बी क्या करेगा, रिसीव कहाँ से, एम कॉमा मैसेज। तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या है कि सेंडर और रिसीवर क्या यूज कर रहे हैं, मेल बॉक्स का यूज कर रहे हैं। जब सेंडर को भेजना होता है तो वो मेल बॉक्स में डाल देता है, जब रिसीवर रिसीव करना होता है तो वो मेल बॉक्स से मैसेज रिसीव कर लेता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब अगर मेल बॉक्स का कंसेप्ट आया इसका मतलब है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें बफर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि उसने मैसेज भेजा और तुरंत रिसीवर ने रिसीव कर लिया। तो मेल बॉक्स क्या करेगा, बफर का यूज कर सकता है। यहां पर क्या है, कोई बफर का यूज नहीं होगा, डायरेक्टली कम्युनिकेशन चल रहा है। तो अगला पॉइंट क्या है, बफरिंग। बफरिंग क्या है, बफरिंग मतलब टेम्परेरी स्टोरेज। और टेम्परेरी स्टोरेज या बफरिंग किस लिए यूज की जाती है, इट इज यूज इन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। बफरिंग हम तीन तरह की यूज कर रहे हैं, जीरो कैपेसिटी बफर। जीरो कैपेसिटी बफर में क्या है कि बफर का साइज जीरो होता है। बाउंडेड कैपेसिटी बफर का मतलब जिसमें बफर का साइज फिक्स होता है कि इतना डेटा इसमें स्टोर हो सकता है। अनबाउंडेड बफर कैपेसिटी का मतलब यह है कि जिसमें अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज या अनलिमिटेड मैसेज जिसमें स्टोर किया सकते हैं। तो तीन तरह के बफर यूज करते हैं, जीरो कैपेसिटी, बाउंडेड कैपेसिटी और अनबाउंडेड कैपेसिटी बफर। अगला है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन में हमको बताया था कि अंडरफ्लो ना हो डेटा और ओवरफ्लो ना हो डेटा, उसके लिए यूज करते हैं। तो मैसेज कम्युनिकेशन बिटवीन द टू प्रोसेस रिक्वायर्ड सम लेवल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इस पर्पस के लिए। सेंडर रिसीवर कैन बी ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग मतलब कि सेंडर कभी भी अपने आप को ब्लॉक कर सके या सेंडर कभी भी अपने आप को ब्लॉक नहीं कर रहा है। तो जैसे अगर मैं लिखा ब्लॉकिंग सेंड, ब्लॉकिंग रिसीव, इसमें क्या है, सेंडर जब चाहे अपने आप को ब्लॉक कर सकता है, ऐसे रिसीवर जब चाहे अपने आप को ब्लॉक कर सकता है। सेंडर अपने आप को रोक सकता है कि अब मैं ज्यादा मैसेज को न जाने दूंगा अगर दूसरे वाले को दिक्कत हो रही है। ऐसे रिसीवर क्या कर सकता है, अपने में ब्लॉकिंग लगा सकता है कि मैसेज किसी से जब तक उसे जरूरत ना हो मैसेज ना आए। तो उसमें क्या सेंडर ब्लॉक कर सकता है, रिसीवर भी अपने आप को ब्लॉक कर सकता है। दूसरा क्या है, नॉन ब्लॉकिंग सेंड। नॉन ब्लॉकिंग सेंड मतलब ये अपने आप को ब्लॉक नहीं करेगा, अनलिमिटेड मैसेज भेजता रहेगा, जैसे जैसे डाटा प्रोड्यूस होगा भेजता रहेगा। ब्लॉकिंग रिसीव का मतलब क्या है, ये जब चाहे अपने आप को ब्लॉक कर सकता है कि भाई मेरे पास अब जगह नहीं, मेरे को जब मैं खाली होऊंगा जब भी मैं डेटा एक्सेप्ट करूंगा, तो ये ब्लॉकिंग रिसीव कहलाएगा। थर्ड इज नॉन ब्लॉकिंग सेंड, नॉन ब्लॉकिंग रिसीव। न तो सेंडर अपने आप, सेंडर भी अनलिमिटेड मैसेज प्रोड्यूस करके मैसेज फॉरवर्ड करते जा रहा है और रिसीवर भी क्या करता जा रहा है, अनलिमिटेडली मैसेज अवेलेबल है या नहीं है वो रिसीव करता जा रहा है। चाहे कुछ भी नहीं है डेटा, नल स्ट्रिंग है, उसको भी रिसीव कर रहा है। चाहे सेंडर उस कैपेसिटी से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तब भी क्या कर रहा है, रिसीवर कोई ब्लॉकिंग नहीं है, वो रिसीव किए जा रहा है चाहे वो नल डेटा हो। तो नॉन ब्लॉकिंग सेंड और नॉन ब्लॉकिंग रिसीव में यह आता है। लास्ट है आपका मैसेज फॉर्मेट। मैसेज फॉर्मेट के दो पार्ट होते हैं, हेडर और बॉडी, ठीक है। हेडर, हेडर में आपके ये पार्ट्स आते हैं, बॉडी में ये पार्ट आते हैं। मेनली जो बॉडी होती है उसी में आपका मैसेज होता है। जो हेडर पार्ट होता है उसमें आपका सोर्स कहाँ से आया, कहाँ पे जाना है मैसेज को, डेस्टिनेशन, मैसेज की लेंथ क्या है, उसके साथ एसोसिएटेड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, मैसेज किस टाइप का है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अटैच रहती है हेडर पार्ट में। बॉडी पार्ट में सिर्फ मैसेज का कंटेंट होता है, ठीक है। और मैसेज जैसा कि हमने आपको बताया, मैसेज आपका फिक्स लेंथ का भी हो सकता है, मैसेज आपका वेरिएबल लेंथ का भी हो सकता है।
तो ये सारी फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, मैसेज पासिंग सिस्टम की। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैसेज पासिंग सिस्टम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।